आप देखिएगा हम चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस समय। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, रंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का रंगे कुट्टा मेथड है। फोर्थ ऑर्डर का मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको फोर कॉन्स्टेंट निकालने की जो है आवश्यकता होती है। चार आपको कॉन्स्टेंट इसमें निकालने होंगे, फिर उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू है इसमें, अब ये आप देखिएगा, हम वैल्यू निकालने चलते हैं, डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ मैं। ये देखिएगा, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैसे कि पहले से चलता आ रहा है। फिर आपको एक इनिशियल कंडीशन मिलती है वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, एक्स की इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट है और वाई की जो इनिशियल वैल्यू है वो वाई नॉट है। फर्स्ट बी डिटरमाइन फोर कॉन्स्टेंट्स, फिर आप चार कॉन्स्टेंट निकालते हैं। ये चार कॉन्स्टेंट के वन के टू के थ्री और के फोर जो है कहे जाते हैं। के वन के टू के थ्री फोर है, देखेगा ये फार्मूले दिए गए। के वन इज इक्वल टू है एच फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपके पास ऊपर पड़ा हुआ ही है, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। यहाँ के वन में देखेगा एच फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट है, यहाँ देखेगा के टू में, के टू में आपके पास है एच फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू और वाई नॉट प्लस के वन वाई टू है, यहाँ दिया कि ध्यान दे दीजिएगा। के थ्री में देखेगा एच फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस के टू वाई टू है। के फोर में देखेगा इनका आधा नहीं आएगा, के फोर इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के थ्री है। अब इस तरह से यहाँ पर एफ की वैल्यू ऊपर डाल देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स पर, के वन के टू के थ्री के फोर की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। जब भी आपके पास चारों वैल्यू आ जाएंगी तो आपके निकालेंगे नाउ इंक्रीमेंट इन वाई। तो जो वाई में इंक्रीमेंट होता है उसका फार्मूला होता है डेल्टा वाई इक्वल टू वन बाई सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। यहाँ पर आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप स्टार्टिंग में आप एक्स नॉट वाई नॉट आपने करा था, अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी एक्स और वाई की एक्स वन वाई वन कहलाएंगी। तो एक्स वन का फार्मूला तो आपका फिक्स है एक्स नॉट प्लस एच, लेकिन वाई वन का जो फार्मूला होगा वो वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वीडियो को स्टिल करके आप फार्मूले नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी ने जो है मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया। अब एक स्टेप में ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपकी वैल्यू निकाली जा रही है वो एक ही स्टेप में आ जाए। सपोज़ कर लीजिएगा आपको एक्स टू पर भी वैल्यू पूछ सकता है, एक्स थ्री पर भी वैल्यू पूछ सकता है, तो इटीरेशन मेथड है, इसमें तो बार बार अप्लाई करते चले जाते हैं। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम ये लेते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं, अभी पहले स्टेप में जो है वाई वन आ चुका है, अब हम वाई टू निकालने जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जब एक बार आप फार्मूला लिख चुके होते हैं तो आपने आइलर्स मेथड में देखा था कि आप नीचे वाला जो सफिक्स था उसका एक नंबर इंक्रीमेंट करते चले जा रहे थे। आप देखिएगा यहाँ से, आप यहाँ से फिर दोबारा से शुरू कर देंगे इसे, के वन है यहाँ एक्स वन वाई वन हो जाएगा, के टू यहाँ एक्स वन हो जाएगा, यहाँ वाई वन हो जाएगा, यहाँ एक्स वन हो जाएगा, यहाँ वाई वन हो जाएगा, यहाँ एक्स वन हो जाएगा, यहाँ वाई वन हो जाएगा। ये ऐसा कैसे ही रहेगा, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। अब यहाँ एक्स टू हो जाएगा, यहाँ एक्स वन प्लस एच हो जाएगा, यहाँ वाई टू हो जाएगा और यहाँ वाई वन प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा नीचे वाला सफिक्स चेंज करके आप इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप कितना भी आगे तक जो है धीरे धीरे करके ले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब दिखाता हूँ सिमल्टेनियस अगर इक्वेशन है तो वो किस तरह से होगा। पहले मैं सिमल्टेनियस इक्वेशन लिख देता हूँ इसमें, या ऐसे देख लीजिएगा। हटा देता हूँ मैं बीच में से, और सिमल्टेनियस और हायर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपकी यहीं से ही रहती है। अब ऐसा समझ लीजिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ है x कॉमा y कॉमा z
और दूसरा है डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मान लीजिएगा जी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब तीन वेरिएबल हो गए हैं, दे दो इनिशियल कंडीशन, विद इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट और जेड एक्स नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट। ये आपकी इनिशियल कंडीशन हो गई है वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट और जेड एक्स नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, अब यहाँ से आप फार्मूले अप्लाई करने शुरू करिएगा। अब जैसे आपके चार कांस्टेंट K1, K2, K3, K4 निकले थे, अब आपके चार कांस्टेंट और निकलेंगे। चार कांस्टेंट तो वाई वाले के dy अपॉन dx से आ जाएंगे और चार कांस्टेंट जो है वो dz अपॉन dx आ जाएंगे। अब आपके कांस्टेंट इस तरह से हो जाएंगे आपके K1, मान लीजिएगा एक कांस्टेंट जो है वो K से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा कांस्टेंट जो है वो L से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखिएगा K1 इक्वल टू हो जाएगा HF x नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट और यहाँ दूसरा कांस्टेंट मान लीजिएगा L1 से रिप्रेजेंट हो जाता है, यहाँ हो जाता है HG x नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। अब यहाँ से K1 के बाद K2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा HF फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस HY2 हो जाएगा प्लस यहाँ वाई नॉट के साथ प्लस K1 2 हो जाएगा और जेड नॉट के साथ यहाँ पर L1 2 हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा जो जिसका कांस्टेंट चल रहा है वो उसी के साथ ऐसा का ऐसा ही चलेगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो वाई वाले हैं स्मॉल एफ जो है वो वाई की वैल्यू देंगे और स्मॉल जी से जो है वो जेड की वैल्यू आएगी, तो इधर के कांस्टेंट तो के में चलेंगे और इधर के कांस्टेंट एल में चलेंगे। अब यहाँ इधर L2 इक्वल टू हो जाएगा H2 H1 2 और Z0 L1 2। अब यहाँ पर देखिएगा K3 H F X0 H2 Y0 अब यहाँ K2 2 आ जाएगा Z0 यहाँ L2 2 आ जाएगा कॉमा L3 H G X0 H2 ऐसा कैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ Y0 K2 2 आ जाएगा, यहाँ Z0 L2 2 आ जाएगा। अब अपॉन का 2 हट जाएगा यहाँ से आगे से। अब यहाँ पर K4 इक्वल टू बनेगा H फंक्शन ऑफ X0 H Y0 K3 Z0 L3। अब यहाँ L4 की वैल्यू बनेगी H G X0 H बनेगा Y0 K3 बनेगा Z0 L3 बनेगा। सबसे पहले वाले कांस्टेंट में सबसे लास्ट वाले कांस्टेंट में डिनोमिनेटर का 2 नहीं होता है। फिर आपके कांस्टेंट आ चुके हैं तो इंक्रीमेंट आप निकालेंगे डेल्टा वाई इक्वल टू 1/6 K1 2 K2 2 K3 4 और दूसरे में डेल्टा जेड निकलेगा। तो ये हो जाएगा बेटा H 1/6 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा L1 2 L2 2 L3 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब Y1 की वैल्यू अब एट X1 = X0 + H Y1 = Y0 + Δy होगा और Z0 = Z1 = Z0 + Δz होगा। अब आपने देखा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही था लेकिन लेंथ जो है वो पीछे वाले फार्मूले से जो है वो डबल हो गई है और इसी तरह से जो है आप क्वेश्चन को आगे जो है बढ़ाते चले जाएंगे जहाँ तक ये जाना होता है। इसी मेथड को रिपीट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप देखेगा ये क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 2015 के इम्प्रूवमेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था और ये आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वही है जिसमें dy/dx है, सही है ना। अब इस क्वेश्चन कराने का क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये सिलेबस से अलग का क्वेश्चन हो जाएगा और इस क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन सीख जाएंगे, इसमें सिमल्टेनियस भी छिप जाएगा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी छिप जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। बुक में जो क्वेश्चन है वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब इसमें आइए, है तो ये भी भारी नहीं है, रंगी कुट्टा मेथड जो है वो तो भारी होता ही नहीं है, तो बहुत सिंपल मेथड है। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, देखिएगा यहाँ पर सॉल्व d2y/dx² (x²+y²) + dy/dx² (x²) = 0.5 x = 1। दो वैल्यू निकालनी है आपको सॉल्यूशन जब करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वाई का आंसर आएगा। तो यानी कि आपकी वाई की वैल्यू निकालनी है आपको दो बार, एक तो निकालना है x = 0.5 पर और एक निकालना है x = 1 पर। यानी कि क्वेश्चन जो है वो दो बार तो आपको करना ही पड़ेगा, एक बार आप 0.5 के लिए करेंगे
और एक बार जो है वन के लिए करेंगे। जब एक बार क्वेश्चन हो जाएगा तो अगली बार में आपने देखा ही है कि जो नोटेशन होती है उसके नीचे का सफिक जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस आर x इज इक्वल टू जीरो है, y इज इक्वल टू वन है, y डैश इज इक्वल टू जीरो है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सबसे पहली बात ये सीख लीजिएगा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें जो हम मेथड सीख रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लाई होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स इस पर आ चुका है, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऑर्डर हो गया है दो। तो यानी कि अगर हमें क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले तो हमें सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक ऑर्डर के डेरिवेटिव को मैं छिपा लेता हूँ। अब यहाँ करने का तरीका देखिएगा मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैं उस तरह के क्वेश्चन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ जैसे कि क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं। अब हम ये करते हैं सॉल्यूशन में, लेट मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को जेड ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो जेड हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जेड हो जाएगी। और जो हमारा फार्मूला था उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, वो हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जेड हो जाती है। तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जेड है, ये नोटेशन हो जाएगी मेरी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाता है। उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इन टू में आ जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिएगा डी जेड अपॉन डी एक्स है, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स है। तो जब डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप निकालने जा रहे होंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू को आप रिप्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, जी के आगे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने आर्टिकल के अकॉर्डिंग जैसे कि सिखाया था रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एफ का दिया है, और जो डी जेड अपॉन डी एक्स है उसको जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो स्मॉल जी का दिया है। अब नोटेशन देखिएगा यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस आर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो ये एक्स नॉट की वैल्यू जीरो बन जाएगी, ये वाई है, ये वाई नॉट इज इक्वल टू वन बन जाएगा, और यहाँ देखिएगा ये वाई डैश है, और यहाँ देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब वाई डैश हुआ जिसे माना गया है जेड, तो ये जेड नॉट की वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी, ठीक है ना, जेड नॉट की वैल्यू जीरो बन जाती है। अब आप फार्मूला लगाने शुरू करिएगा कि ए वन इज इक्वल टू, सबसे पहला फार्मूला आपका एच एफ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई, सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट है, वाई नॉट है, जेड नॉट है, ये है। अब हाँ हाँ यहाँ देख लीजिएगा, अभी एच की वैल्यू बताने से मैं रह गया हूँ। एच की वैल्यू बताने के लिए ऐसे करते हैं, देखिएगा स्टार्टिंग जो है एक्स की वैल्यू जीरो से हो रही है और मुझे वैल्यू चाहिए 0.5 पर और 1 पर। तो जीरो में अगर मैं 0.5 प्लस कर दूंगा तो 0.5 आ जाएगा, और 0.5 में फिर मैं दोबारा 0.5 ऐड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि दो स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। जब मैं पहले स्टेप में क्वेश्चन करूंगा तो मेरे पास 0.5 पर वैल्यू आएगी, और जब मैं अगले स्टेप में क्वेश्चन करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो 1 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ, लेट एच इज इक्वल टू ले रहा हूँ मैं 0.5। अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है वो h फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा फंक्शन x नॉट y नॉट z नॉट की वैल्यू, ये आपकी ये हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, ये हो जाएगा h z नॉट, लेकिन z नॉट की वैल्यू जीरो है तो ये वैल्यू आपकी जीरो में चली जाएगी। उसके बाद आप केवल एल वन निकालेंगे, एल वन में हो जाएगा जी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, अब यहाँ h हो जाएगा। अब यहाँ पर जी की वैल्यू पर आप निगाह डालिएगा, यहाँ देखिएगा जी, अब यहाँ पर ये वैल्यू डाल दीजिएगा तो यहाँ पर एच के साथ हो जाएगा आपका एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर इन टू वन प्लस जेड नॉट स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो के वन आ चुका है आपके पास, एल वन आ चुका है। उसके बाद आप के टू निकालते हैं, तो के टू में होता है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू है, और वाई नॉट प्लस के वन वाई टू है, और जेड नॉट प्लस
एल वन बाई टू है। अब एफ की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू एफ पड़ी हुई है, तो एफ की वैल्यू में देखिएगा सिंपल में क्या है, जेड है सिर्फ, तो ये हो जाता है एच और जेड नॉट प्लस एल वन बाई टू, ये आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद आप एल टू निकालते हैं, एच जी एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस ए वन बाई टू जेड नॉट प्लस एल वन बाई टू, ये एच तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब आप जी में वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू देख लीजिएगा, ये पड़ी हुई है जी की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाता है आपका एक्स नॉट प्लस एच बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई नॉट प्लस ए वन बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा वन प्लस जेड नॉट प्लस एल वन बाई टू का होल स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सही है, अब ये आपका आंसर आ जाएगा K2 का। अब यहाँ पर K3 निकालेंगे आप, K3 जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच एल एक्स नॉट प्लस एच बाई टू आएगा बाई नॉट प्लस यहाँ K2 बाई टू आएगा जेड नॉट प्लस यहाँ एल टू बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाएगी एच इंटू जेड नॉट प्लस एल टू बाई टू, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप K3 के बाद निकालेंगे L3, जब आप L3 निकालने जाएंगे तो आप H लिखेंगे, ये वैल्यू ऐसी कैसी रहेगी G, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो सेम ही चल रही है, लेकिन एच यहाँ पर G की वैल्यू देख लीजिएगा, G की वैल्यू में यहीं से चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई नॉट प्लस के टू बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में वन प्लस जेड नॉट प्लस एल टू बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद के फोर आप करते हैं, के फोर में एच एफ यहाँ एक्स नॉट प्लस एच आएगा वाई नॉट प्लस के थ्री आएगा जेड नॉट प्लस एल थ्री आएगा। अब जाकर के एफ में वैल्यू रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा एच इंटू जेड नॉट प्लस एल थ्री। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, के फोर के बाद आपका एल फोर बनता है, तो ये एच जी ये वैल्यू ऐसी कैसी हो जाएगी, अब एच अब यहीं से देख लीजिएगा, तो ये बनेगा आपका एक्स नॉट प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा प्लस वाई नॉट प्लस के थ्री का होल स्क्वायर बनेगा और इनटू में बनेगा वन प्लस जेड नॉट प्लस एल थ्री का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो चारों कॉन्स्टेंट आपके आ चुके होंगे। अब इतना हिस्सा मैं मिटा देता हूँ, ये देखिएगा करना कुछ नहीं होता है, आप देख ही रहे हैं कि आप फार्मूले लिखे होते हैं, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेटर का बटन दबाते हैं, आंसर आपको मिल जाता है, कितनी मज़ेदार चीज़ है ये हमारी। अब ये हो जाता है आप इंक्रीमेंट जब निकालने जाते हैं तो डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाता है वन अपॉइंट सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर, ये वैल्यू आ जाती है। और डेल्टा जेड की वैल्यू आ जाता है वन बाई सिक्स एल वन प्लस टू के टू सॉरी एल वन प्लस टू एल टू प्लस टू एल टू प्लस एल टू, ये वैल्यू आ जाती है। फिर एक्स वन इज इक्वल टू आपका एक्स नॉट प्लस एच आ जाता है, ये आपका 0.5 हो जाएगा। वाई वन की वैल्यू वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई हो जाएगी, ये पहला आंसर आएगा। और जेड वन की वैल्यू जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप में करने जाएंगे, तो अभी आपने आर्टिकल में देखा ही था, जब आप नेक्स्ट स्टेप करने जाते हैं तो एक स्टेप जो है आपका पूरा हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप जब करने जाते हैं तो बालकों वाला बच्चों वाला खेल होता है, आप नीचे का सफिक जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि पहला आंसर तो आ चुका है। अब देखिएगा अगले स्टेप के लिए के वन, देखिएगा ये एक्स वन वाई वन जेड वन यहाँ जेड वन, अब जेड वन की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू निकल कर जाएगी, यहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन ये वन ये वन ये वन, ठीक है ना, आप देख ही रहे हैं आप इसी तरह से जो है आप वन जो है करते चले जा रहे हैं, इसी तरह से जो है आप वन करते चले जाएंगे। यहाँ पर वन हो जाएगा यहाँ के टू, यहाँ एक्स वन हो जाएगा वाई वन हो जाएगा जेड वन हो जाएगा यहाँ वन हो जाएगा।
अब यहाँ ध्यान रखिएगा एल वन की वैल्यू पीछे वाली मत रख दीजिएगा, कभी पहले स्टेप की वैल्यू उठा करके इसमें लिख दे, इनकी नोटेशन चेंज नहीं करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा जैसे एक स्टेप आपका पूरा हो गया तो क्वेश्चन का बना लीजिएगा और आगे लिख दीजिएगा फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। पता चला L1 की वैल्यू रखने जा रहे हैं, जरा सा ध्यान भटक गया और ऊपर वाली L1 की वैल्यू रख दिया, रख ली ये वाली L1 की वैल्यू थी। इसी तरह से नीचे का सभी जो है वो चेंज करते चले जाएंगे, Z1 प्लस L1 बाई टू, यहाँ देखिएगा वन, अब देखिएगा करने वाले के लिए कितनी मेहनत होती है क्वेश्चन में और जिसे सिर्फ समझाना होता है उसके लिए कितना आसान होता है, वो तो सिर्फ एक पेन और रबर टेबल के हाथ में बैठता रहता है और जो है ये कहता रहता है ये कर दो ये कर दो ये कर दो। इसीलिए ये किताब जो है मेरी फेवरेट बुक है, ये जो बुक है मेरी फेवरेट बुक है, क्योंकि इसमें क्या है टीचर के जिम में कोई काम नहीं होता, सारा काम बच्चों के पास होता है, बट टीचर को तो इतना है कि फार्मूले लिख दे और एक बार जो उसे समझाना आना चाहिए कि वैल्यू जो है किस किस तरह से हमें लेनी होती है। ये हो जाता है ये वैल्यू आ जाएगी एल वन, यहाँ डेल्टा वाई ऐसा कैसे जाएगा डेल्टा जेड, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स वन प्लस एच हो जाएगा, यहाँ वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ एक्स टू हो जाएगा, ये वाई टू हो जाएगा, ये जेड टू हो जाएगा, यहाँ वाई वन हो जाएगा, यहाँ जेड वन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब रंगी कुट्टा मेथड के आप क्वेश्चन जो है वो सिंपली सिंपल तरीके से कर सकते हैं।